नवग्रहों, इतने दिनों तक मेरे अधीन रहने के पश्चात भी तुम मेरे विरुद्ध योग बना रहे थे, इसलिए बंदी बनाया है मैंने तुम्हें। अब कोई योग नहीं बना पाओगे तुम मेरे और मेरे पुत्र मेघनाद के अहित के लिए। अभी भी दानव शिल्पी मैं चिंतित है। ये दीपक कैसा, कौन लाया इसे यहां? इसे मैं यहां लाया हूं लंकेश। ये मेघनाद का जीवन दीप है। इसकी लौ का अस्थिर होना इंगित कर रहा है कि मेघनाद का जीवन अभी भी संकट में है लंकेश। विद्युत जिह्वा दंड पा चुका है, अब तुम्हें भी दंड मिलेगा। दंड तो मिलेगा तुम तीनों को। तुम ही कह दो ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, हनुमान का भ्रम है ये। अच्छा हुआ तुम तीनों साथ ही आ गए, वो वनवासी राम भी होता ना तो चारों को समाप्त करके शीघ्र ही आनंद उत्सव मनाता मैं। बस मेघनाद, बस मेघनाद। तुम्हारे लिए तो लक्ष्मण ही पर्याप्त है। माया से भ्रमाकर बहुत पीड़ा दी थी ना तुमने भैया राम को, उनकी एक एक पल की पीड़ा का प्रतिशोध लेगा उनका अनुष्ट तुमसे। कौन किसका प्रतिशोध देता है ये तो समय ही बताएगा लक्ष्मण, किंतु अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। अग्नियास्त्र तुम्हें भस्म कर देगा लक्ष्मण। मेरे वायवास्त्र की प्रचंड वायु का वेग न तुम्हारा अग्नियास्त्र सह पाएगा और न तुम। ये देखकर भी आप ऐसे ही खड़े रहेंगे सतोश्री मैं। बनाइए अपने प्रिय नाती के कुशलता की कुंडली, ये सभी नवग्रह मेरे वश में है। कुंडली के अनुसार जहां आप इनका स्थान सुनिश्चित करेंगे मैं इन्हें उसी स्थान पर नियुक्त कर दूंगा। लक्ष्मण भैया, इस असुर को श्वास लेने का भी अवसर मत दीजिए, ये मायावी है, ये अपनी माया का प्रयोग कभी भी कर सकता है। लक्ष्मण भैया, मेघनाद की मायावी शक्ति से और नेता परिचित नहीं हो तुम सब। लक्ष्मण, नागपाश ने तो तुम्हें केवल अचेत किया था,
किंतु मेरा यह नागास्त्र तुम्हें सदा के लिए चिर निद्रा सुला देगा। तुम्हारा नागास्त्र मेरे गरुड़ास्त्र का क्षण भर भी सामना नहीं कर पाएगा मेघनाद। मेघनाद की कुंडली में जिसका जो स्थान है वहां जाकर स्थित हो जाओ। नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। निवेदन नहीं, आदेश है। ये रावण का देवगुरु, रावण को अपने आदेश को मनवाना भली भांति आता है। लंकेश, मंगल एवं सूर्य ग्रहों की स्थिति अभी भी अनुकूल नहीं है। मेघनाथ के शत्रुओं को अभी भी बलवती बना रही है इनकी स्थिति। शनि की दृष्टि भी सीधे षष्ठम घर पर है लंकेश, जो मेघनाथ का मारक स्थान है। शनि धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जो मेघनाथ की मृत्यु का कारक हो सकता है। लंकेश, शनि को मैं इसी घर में अचल कर दूंगा। मेघनाथ की अकाल मृत्यु के लिए शनि अगले घर में नहीं पहुंच पाएगा। शनि तो स्थिर हो गया, अब देखता हूं सूर्य और मंगल को भी। मैं इनकी स्थिति आपस में परिवर्तित कर दूंगा, जिससे बल मिलेगा मेरे पुत्र मेघनाथ को और विजय श्री होगी मेघनाथ की। दीपक की ज्योति स्थिर हो गई, अब मेघनाथ काल बन जाएगा शत्रुओं के लिए। अब दिखाता हूं तुम्हें कि मेरा मायावी अस्त्र क्या क्या कर सकता है। दुष्ट मेघनाथ अब मायावी युद्ध करने वाला है, मुझे भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी।
आप दोनों मेरी हथेली पर आरूढ़ होकर मेघनाथ की ऊंचाई के समक्ष पहुंच जाइए। इससे मेघनाथ का सामना करने में सहजता होगी आप दोनों को। आइए। नर वानर के ऊपर। मेरे समकक्ष आने से कुछ नहीं होगा तुच्छ वनवासी। मेरे जैसे मायावी अस्त्र कहां से लाओगे? अब देखो मेरा शोषणास्त्र कैसे सब कुछ सोख लेता है। तुम्हारी संपूर्ण शक्ति तक सोख लेगा तुम्हारी देह से। अकस्मात ही मेघनाद लक्ष्मण भैया के प्रहारों को विफल कैसे करने लगा? भ्राता लक्ष्मण, इससे पूर्व यह शोषणास्त्र आपकी शक्तियों का शोषण करे, आप कुछ कीजिए, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करने का अवसर दीजिए। नहीं विभीषण जी, मैं इस दुष्ट को संभाल लूंगा। भैया राम को जो इसने दुख दिए हैं उसके प्रतिशोध की अग्नि ही इसे भस्म कर देगी। किंतु इसका यह शोषणास्त्र आपको हानि। शोषणास्त्र का काट भी शोषणास्त्र ही होता है विभीषण जी। तड़प रहे हो ना शनिदेव, किंतु राक्षस राज रावण की मायावी शक्ति के आगे हिल भी नहीं पाओगे तुम यहां से। जिस स्थान पर तुम सूर्य और मंगल हो वहां से कोई अमंगल नहीं कर पाओगे मेरे पुत्र का। ये क्या, मेरे बाणों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ इसे? अवश्य कुछ विशेष है या फिर कोई मायावी शक्ति, अन्यथा भ्राता लक्ष्मण के बाण इस प्रकार निष्क्रिय नहीं होते। कहीं ये मेघनाथ द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का प्रभाव तो नहीं है? घातक बाण तो निष्क्रिय हो गया। अवश्य ही ये माता निकुम्बला की पूजा का प्रभाव है। जय देवी निकुम्बला, माता की जय हो। अपूर्ण यज्ञ से इतना बड़ा वरदान प्राप्त नहीं होता मेघनाथ को, अर्थात इसका रहस्य कुछ और ही है। कदाचित मेघनाथ की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है।
या फिर मुझे अधिक घातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना होगा जो उसकी मायावी शक्तियों को भी काटते। मेरा धनुष मेरे हाथ में आ गया है तुच्छ वनवासी, आप दिखाता हूं कि युद्ध क्या होता है। तुम्हारा धनुष भी आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा मेघनाथ। तुम्हारा धनुष भी आज तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा मेघनाथ। कुछ तो अवश्य है जिससे मायावी मेघनाथ की रक्षा हो रही है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात कर भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। कैसे मूर्ख प्राणी है ये, धर्म और मर्यादा के लिए एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे। ये अधर्मी भोले बाबा के महामंत्र का प्रयोग कर रहा है अपने अधर्मी पुत्र की रक्षा के लिए। प्रणाम महादेव। देवेश्वर देखिए, रावण ने नव ग्रहों को बंदी बना लिया है। इस प्रकार तो प्रभु श्री राम की सेना परास्त हो जाएगी। जो माया तुम्हारी रक्षा कर रही है मेघनाथ, मेरा यह दिव्यास्त्र उसे भी काट देगा। ये क्या हुआ? इस दीपक की ज्योति पुनः स्थिर कैसे हो गई? तुम सभी नवग्रह अपने अपने स्थान पर आओ। फिर ये दीपक की ज्योति क्यों फड़फड़ा रही है? तुमको क्या लगता है रावण, तुम हम सबको यहाँ बंदी बनाकर रखोगे और इंद्र आदि देव वहां शांत होकर बैठे रहेंगे? तो क्या कर लेगा वो तुम्हारा राजा इंद्र? वरदान प्राप्त है मुझे और मेघनाथ को ब्रह्मा जी से, और वो विष्णु वो विष्णु तो निद्रा मग्न होगा, महादेव जी के पास गया होगा। कोई बात नहीं, वो क्या जाने ये लंकेश क्या कर सकता है। मैं भी महादेव से सहायता मांगता हूं और देखता हूं कैसे होती है मेघनाथ की मृत्यु। न जाने अब क्या करने वाला है रावण। महादेव तो भोलेनाथ है, मेरे जैसे महान शिव भक्त की भी अवश्य सुनेंगे वो। मेरे जीवन भर की शिव भक्ति और पूजा के फल स्वरूप भोलेनाथ अवश्य ही मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। हे महादेव, यदि जीवन भर मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मेघनाथ की रक्षा करनी ही होगी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कुछ तो अवश्य है जिससे मायावी मेघनाथ की रक्षा हो रही है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात कर भ्राता लक्ष्मण की सहायता करनी होगी। अहंकारी व्यक्ति अहंकार में सारी मर्यादा भूल जाता है जो उसके लिए घातक हो सकता है।